हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ग्लोबल पेट्स क्लिनिक। आई एम डॉक्टर जोगिंद्र यादव। तो आज हमारी जो इस ग्लोबल पेट्स क्लिनिक का चैनल है, इसके ऊपर हम एक वीडियो डाल रहे हैं। पारो वायरस की एक पोमेरियन था कि सर आप हमेशा ग्राउंड फ्लोर पे पप्पी को लेटाते हुए, ग्लूकोज चढ़ाते हुए दिखाते हो, आप और कुछ नहीं, बिफोर आफ्टर कुछ ऐसा दिखाइए हमें। ठीक है, तो हम इस पोमेरियन की आपको जर्नी दिखाएंगे थोड़ी सी, कि पारो वायरस के पहले दिन इसकी कैसी तबीयत थी और पारो वायरस के लास्ट टाइम इसके हेल्थ में क्या रिकवरी हुई। तो हमारी वीडियो एंड तक जरूर देख के हम आपको बताएंगे क्या उसको ट्रीटमेंट दिया गया है। लास्ट तक हमारी वीडियो जरूर देखें और ग्लोबल पेट्स क्लिनिक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हेलो फ्रेंड्स, तो ये हमारा पहला दिन था। ये क्लिप हमने, जो ओनर है उसी ने हमें बना के भेजी थी। ठीक है, उसी ने, उन्हीं के हाथ से हमने बनवाई थी। तो आप इसमें देखें, डॉग बिल्कुल काँप रहा है। टेम्परेचर 98 था, लो टेम्परेचर था। तो हमने इसको प्लेन NS के अंदर और मेट्रो के अंदर इन्फेक्शन के लिए रखा था। ये इसका पहला दिन था। आप तबीयत देख रहे हो बिल्कुल डाउन थी। ओनर को यकीन ही नहीं था कि ये बच पाएगा या नहीं। तो अब हम शुरू करते हैं दूसरे दिन की। ये दूसरे दिन हमने इसको ड्रिप लगाई थी। ठीक है, दूसरे दिन धूप तेज थी, सर्दी का मौसम है, तो इसको काफ़ी रिलीफ मिल चुका था। सेम है, सेम ट्रिप है। अब आप तीसरे दिन की कंडीशन देखिए। तीसरे दिन के अंदर डॉग बिल्कुल खड़ा हो चुका था। इसने थोड़ा सा खाना भी खाया था, ठीक है, और घूमने फिरने लग गया था। लेकिन पहले दिन में बिल्कुल डेड कंडीशन था, पुअर कंडीशन थी। लेकिन तीसरे दिन में इसको आराम मिला है, बहुत ज़्यादा मिला है। ठीक है, और हमने जो ओनर है मतलब मालिक के कहने पे हमने इसको एक दिन और एक्स्ट्रा फ्लूड लगाई तीसरे दिन भी, ताकि इसकी जो रिकवरी है और अच्छे से हो सके। क्योंकि जब आप एंटीबायोटिक और ये फ्लूड थेरेपी रखे तो ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, कहीं ना कहीं आपके डॉग को बेटर करती है। ठीक है,